दोस्तों, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंस मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसीज आई है, तो दोस्तों इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी के बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। वीडियो तो पूरा देखना, हो चैनल पर नए हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, इसकी जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जो वैकेंसीज है वो कहाँ पर आई है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इंस्टीट्यूट नेम के बारे में आपको बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कड़प्पा में रहने वाली है। कैंसर केयर जो सेंटर कड़प्पा है उसमें रहने वाली है। डॉक्टर YSR गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पुलिवेंदुला है उसमें रहने वाली है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो पुलिवेंदुला है उसमें ये वैकेंसी रहने वाली है। जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी है नहीं है। और दोस्तों अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह दोस्तों 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह दोस्तों 21 दिसंबर रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वह 21 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। फॉर्म दोस्तों आपको ऑफलाइन भरने हैं। फॉर्म का फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप जो कड़प्पा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। kadappa.fp.gov.in पर भी जाके आप जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ से फॉर्म है जो फॉर्म का फॉर्मेट है वह डाउनलोड करके प्रिंट निकला लेना और भर देना। और जो फॉर्म है वह दोस्तों आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुतलमपल्ली कड़प्पा के अंदर आपको जमा करवाना है। कड़प्पा YSR डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जमा करवाना है। वापस से बोल रहा हूँ, जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। 21 दिसंबर से पहले पहले आपको इस एड्रेस पर फॉर्म का जो फॉर्म है वो जमा करवाना है। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये आप एड्रेस देख लो। इस एड्रेस पर दोस्तों आपको फॉर्म है वह 21 दिसंबर से पहले पहले जमा करवाना है, जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। और दोस्तों अपन यहाँ से देख लेते हैं जो इंस्टीट्यूट नेम है, तो यहाँ पर बता रखा है ये इंस्टीट्यूट बाई जो वैकेंसीज है उसके बारे में। तो मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि सबसे पहले जो वैकेंसी है वो दोस्तों अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल जो हेल्थ कड़प्पा है उसमें रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने कैंसर केयर सेंटर कड़प्पा में रहने वाली है। उसके बाद अपनी जो वैकेंसी वो डॉक्टर YSR गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पुलिवेंदुला में रहने वाली है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुलिवेंदुला में रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो वैकेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कड़प्पा के अंदर की, यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट की यहाँ पर वैकेंसीज आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उनकी यहाँ पर वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर एक पोस्ट है रहने वाले हैं, और जो आपकी सैलरी है वो 254,060 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसीज रहने वाली है। जो भी वैकेंसी है वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, परमानेंट ये वैकेंसीज नहीं है। शुरू से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। और बट दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सैलरी है ना बहुत अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। और सबसे पहले अपन जो वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कड़प्पा है ना उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो वैकेंसी चाहिए ना उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले वैकेंसी यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाली है। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 32,670 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाले हैं, और जो आपकी सैलरी है वो 234,580 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी ECG टेक्नीशियन के लिए भी आई है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाले हैं। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 34,580 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों ECG टेक्नीशियन के लिए भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाले हैं, और जो आपकी सैलरी है 32,670 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाले हैं, जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 34,580 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए भी आई है। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 32,670 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है।
तो दोस्तों हमने सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कडपा में जो वैकेंसी आई है उनके बारे में बात कर ली है। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करेंगे कैंसर केयर सेंटर कडपा के अंदर कौन कौन सी ये डिपार्टमेंट की यहाँ पर वैकेंसी आई है उनके बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रेडियो रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर है RSO है उनके लिए वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर दो पोस्ट रहने वाली है और जॉब की सैलरी है वो 261,960 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन के लिए रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं जो आपकी सैलरी है वो 232,670 रुपये रहने वाले हैं। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने सीटी टेक्नीशियन के लिए रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पर सीटी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट रहने वाले हैं और जो आपकी सैलरी है वो 232,670 रुपये रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए भी वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाले हैं जो आपकी सैलरी है वो 32,670 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट रहने वाले हैं जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 34,580 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी लैब टेक्नीशियन के लिए भी आई है। टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट रहने वाले हैं जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 32,670 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाले हैं जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 61,960 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने रेडियोग्राफर के लिए भी आई है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाले हैं और जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 35,570 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए भी है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाले हैं जो आपकी सैलरी हो 32,670 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर ली है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो मेंटल हेल्थ कडप्पा है उसके बारे में बात कर ली है और हमने कैंसर केयर सेंटर कडप्पा में जो वैकेंसी चाहिए उनके बारे में बात कर ली है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो दोस्तों डॉक्टर YSR गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पुलिवेंदुला के अंदर जो वैकेंसी है उनके बारे में बात करेंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो पुलिवेंदुला है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर YSR गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पुलिवेंदुला में कौन कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी है ये वो एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए है। टोटल 10 पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं जो आपकी सैलरी है दोस्तों 32,670 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने जो एवी टेक्नीशियन है उनकी जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुलिवेंदुला में आई है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है 32,670 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो बायोमेडिकल टेक्नीशियन है उनकी वैकेंसी यहाँ पर जो डॉक्टर YSR जनरल हॉस्पिटल उनके लिए रहने वाले। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाली है जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 32,670 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आई है। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है और 37,640 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी डेंटल टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है। इसके अंदर टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाले हैं 32,670 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ECG टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाले हैं और आपकी जो सैलरी है वो 34,580 रुपये आपकी पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन उनके लिए यहाँ पर दोनों के अंदर यहाँ पर वैकेंसी आई है। डॉक्टर YSR जो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल जो उसके अंदर भी आई है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी आई है। तो यहाँ पर डॉक्टर YSR जो जनरल हॉस्पिटल उसके अंदर यहाँ पर 10 पोस्ट आई है और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुलिवेंदुला है उसके अंदर यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट यहाँ पर आई है। तो टोटल लैब टेक्नीशियन के लिए 22 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है पुलिवेंदुला के अंदर। जो आपकी सैलरी है दोस्तों 32,670 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने ओटी टेक्नीशियन के लिए ये वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी है वो दोस्तों जो डॉक्टर YSR जो जनरल हॉस्पिटल है उनमें रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है और जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 22,460 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर
वो फार्मासिस्ट के लिए भी वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 9 पोस्ट आपकी रहने वाली है, और जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 32,670 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वैकेंसी है, टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है, जो आपकी सैलरी है 35,570 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाले हैं, जो आपकी सैलरी वो दोस्तों 35,570 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो स्पेस थेरेपिस्ट है उनके लिए भी आई है, टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है, और जो आपकी सैलरी वो 40,970 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर जो मैंने इंस्टीट्यूट बताए हैं, 4 इंस्टीट्यूट के अंदर टोटल यहाँ पर 208 पदों पर ये वैकेंसीज होने वाली है, 208 पदों पर ये वैकेंसीज होने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। फॉर्म की लास्ट डेट है वो दोस्तों 21 दिसंबर रहने वाली है। जो फॉर्म है वह दोस्तों आपको यहाँ पर जमा करवाना है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पलतमपली कडप्पा YSR डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर आपको जमा करवाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कडप्पा के अंदर। जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वह है दोस्तों 21 दिसंबर रहने वाली है, शाम 5 बजे। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वह दोस्तों 21 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। और जो फॉर्म का फॉर्मेट है वह दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप यहां से भी फॉर्म का फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में। तो दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसी के टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो दोस्तों जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों, इसी के टेक्नीशियन के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, और जिन साथियों ने इसी के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने कार्डियोवेस्कुलर टेक्नीशियन के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जो आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग है ना उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपन जो ईजी टेक्नीशियन उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो 12th है वो पास होनी चाहिए दोस्तों, ईजी के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, और आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश जो पैरामेडिकल बोर्ड है या जो भी काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं सीटी टेक्नीशियन के बारे में। तो दोस्तों आपके पास में जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर डिप्लोमा या बीएचयू डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, मतलब आपने डीआरटी कर रखी है या फिर आपने बीआरटी कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ में जो आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड है ना उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों फार्मासिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों, यदि आपने डी फार्मेसी या बी फार्मेसी कर रखी है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो आंध्र प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों, आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के अंदर, और जो आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग है ना उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने DMLT कर रखी है या दोस्तों आपने BMLT कर रखी है तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिन साथियों ने, वापस से बोल रहा हूँ, DMLT कर रखी है या फिर आपने BMLT कर रखी है वो साथ यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश जो पैरामेडिकल बोर्ड है ना उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर के बारे में। तो रेडियोग्राफर के बारे में क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जिन साथियों ने CRA DRGA DMIT कोर्स कर रखा है ना वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो आंध्र प्रदेश है पैरामेडिकल काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दोस्तों
वो साथ ही में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने रेडियोलॉजी या इमेजिंग टेक्नोलॉजी अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है, वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट वैकेंसी अपन ब्लड बैंक टेक्नीशियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने सॉरी सॉरी मेडिकल लैब लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब दोस्तों जिन साथियों ने BMLT कर रखी है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो साथ ही यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका जो पैरा जो आंध्र प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसलिंग है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है? तो दोस्तों कार्डियोलॉजी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉरी ये मिनट में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जिन साथियों ने नॉर्मल BSc कर रखी है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा करके कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के अंदर, मतलब नॉर्मल BSc प्लस कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या आपने ECG टेक्नीशियन के अंदर भी डिप्लोमा कर रखा है ना, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल BSc होनी चाहिए प्लस ECG के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर दोस्तों आपने कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है, तो अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों डेंटल टेक्नीशियन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इंटरमीडिएट है वो पास होनी चाहिए। दोस्तों डेंटल टेक्नीशियन के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल मैकेनिक कोर्स आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो आंध्र प्रदेश जो डेंटल काउंसलिंग है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब दोस्तों यदि आपने डेंटल मैकेनिक कोर्स कर रखा है ना, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो आंध्र प्रदेश जो डेंटल काउंसलिंग है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के बारे में। हमने बात कर ली ना, जिन्होंने DMLT कर रखी है, जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है MLT के अंदर, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब लैब टेक्नीशियन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो DMLT है वो आपने कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने BMLT कर रखी है ना, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो OT टेक्नीशियन के बारे में। तो दोस्तों OT के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड के अंदर आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं दोस्तों फिजियोथेरेपी के बारे में। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों फिजियोथेरेपी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों जो आंध्र प्रदेश जो पैरामेडिकल बोर्ड है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के बारे में। तो दोस्तों जिन साथियों ने CRA DRGA DMIT कोर्स कर रखे हैं ना, वो यहाँ पर फॉर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड के अंदर आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जिन साथियों ने रेडियोलॉजी या इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है ना, वो भी यहाँ पर फॉर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेस थेरेपिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है दोस्तों आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्पेस थेरेपी के अंदर, या जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है ना, वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद में अपन एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो OC स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर 250 फॉर्म फीस है, और जो SC ST BC और जो फिजिकल हैंडीकैप वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए यहाँ पर 200 फॉर्म फीस है रहने वाली है। और जो फॉर्म है वह दोस्तों आपको इस अकाउंट के अंदर जमा करवाने हैं, जो ये फॉर्म फीस मैंने आपको बताई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका जो यहाँ पर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाली, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो जो पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो आप यहाँ से देख लेना। मेरिट बेस आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। आपकी कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, कोई आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है। आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है
और आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपका नंबर आ जाएगा। और जो फॉर्म है वो आपको भर देना है, साथ में ये डॉक्यूमेंट्स है ना, इनकी फोटो कॉपी आपको अटैच कर देनी है जो यहाँ पर दे रखे हैं। सभी की फोटो कॉपी दोस्तों आपको करवा लेनी है और उन पर आपको अपने साइन कर देने हैं फॉर्म के साथ में, उनको अटैच करके जो मैंने एड्रेस बताया है उस एड्रेस पर आपको जमा करवा देना है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट है ना उनके बारे में। तो जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो तो मैंने आपको बता ही दी, 21 दिसंबर रहने वाली है। अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ना वो आपकी 30 दिसंबर को जारी होगी, और जो आपके ग्रीवेंस है ना, जो परिवेदनाएं है वह दोस्तों 1 जनवरी से 2 जनवरी तक रहने वाले हैं। जो भी परिवेदनाएं है ग्रीवेंस है वह आप 1 जनवरी से 2 जनवरी के बीच में आप दे सकते हो। इसके बाद में दोस्तों जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वह दोस्तों 6 जनवरी को जारी हो जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों जो आपके अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर्स है, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन है ना, वह आपके 8 जनवरी को रहने वाले हैं। 8 जनवरी को हो जाएंगे आप ये जो भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेना वो जारी हो जाएंगे 8 जनवरी को। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वह दोस्तों 21 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। और फॉर्म का फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।